हुडकेश्वर पुलिस थाना अंतर्गत रिश्तों को तार तार करने का मामला सामने आया है, जहां एक 48 वर्षीय भांजी ने किराया ना देने जैसे मामूली बात को लेकर अपने ही 56 वर्षीय पैरालिसिस से ग्रस्त मामा पर एसिड फेंका। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। लॉकडाउन के कारण कई कारोबार ठप पड़े हैं, हर किसी को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। वही जो लोग किराए के घर में रहते हैं, उन्हें इस दौरान कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते मकान मालिक से अपेक्षा की जा रही है कि वो स्थिति को समझे और किराएदार को थोड़ी सहूलियत दे। लेकिन कुछ किराएदार ऐसे भी हैं जो परिवार के होकर भी क्रूरता की सारी हदें पार कर रहे हैं। मामला है हुडकेश्वर पुलिस थाना अंतर्गत का, जहां एक 48 वर्षीय भांजी ने किराया ना देने जैसे मामूली बात को लेकर अपने ही 56 वर्षीय पैरालिसिस से ग्रस्त मामा पर एसिड फेंका। आरोपी सुदाम खोत का उदयनगर गार्डन के पास मकान है। उनके यहाँ 56 वर्षीय पीड़ित डोमाजी गौरकर किराए से रहते हैं। 3,000 रुपए प्रति माह उनका मकान का किराया है। लॉकडाउन से कामकाज बंद हो गया। डोमाजी का आधा शरीर लकवाग्रस्त होने के कारण 4 माह से उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, इसलिए वे घर का किराया नहीं दे पा रहे थे। लेकिन उनके गुस्साए भांजे को ये बात समझ नहीं आई। 29 मई को आरोपी उसके मामा के घर किराया मांगने गया। जब डोमाजी किराया नहीं दे पाए, तब आरोपी ने डोमाजी के साथ मारपीट की और उससे भी मन न भरने के बाद उसने डोमाजी के चेहरे पर एसिड फेंक दिया। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रताप भोसले ने अधिक जानकारी साझा की। हुडकेश्वर पुलिस स्टेशन के हद्दी मध्ये प्लॉट नंबर 15 उदयनगर नागपुर या ठिकाणी वत्सला कोत नावाची महिला राहते। तिचा सक्का भाऊ डोमाजी सामरावजी गौरकर व 56 हा त्या ठिकाणी गेले 5-6 महिन्यापासून किरायाने राहत होता। तो थोडासा दिव्यांग होता आणि त्या ठिकाणी जखमी डोमाजी गौरकर याचा भाचा सुदाम योगाजी खोत व 48 हा त्या ठिकाणी आला। किरायच्या त्यांच्यात मामा भाच्यामध्ये वाद झाला। त्या वादामध्ये त्याने मामाला थोडं बांबूनं मारहाण केली आणि बाथरूमला किंवा वापरणारं ते ॲसिड आहे ते ॲसिड तुम्ही रागापोटी त्याच्या अंगावर फेकल्यामुळं तोंडावर पडल्याने डोळ्यात त्याच्या जखमा झाल्या होत्या। जखमी हा मेडिकलमध्ये उपचार घेत आहे। आरोपी सुदाम योगाजी खोत याला अटक करून माननीय न्यायालयात हजर करून त्याची 3 तारखेपर्यंत पोलीस कस्टडी रिमांड घेण्यात आली आहे। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।